Good afternoon, everyone. Okay, so as usual, last time का हमारा continued topic है permutation combination. But before we start today's lecture, I just want to discuss something. First thing, जो मैं solution आपके साथ explain कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, तो पहले तो ना मेरा बुक एक आपका नोटबुक यानी कि सॉल्यूशन बुक प्रॉपरली मेंटेन कर दो. प्रॉब्लम क्या होगा अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके पास सॉल्यूशन बुक ही नहीं रहेगा. दैट विल मेक्स मोर कंफ्यूजन फॉर योर साइड. ओके, सेकेंड थिंग, स्टार्ट डूइंग लिटिल बिट प्रैक्टिस. थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस चालू कर दो बिकॉज जब एग्जाम अनाउंस होगा आपके पास 7 सब्जेक्ट्स है. So you cannot manage all 7 subjects at a time. So थोड़ा सा gradually जाके इसको balance करो. Beginning में हमने factorials का discussion किया था. उसके बाद हमने discuss किया था fundamental principle of counting. मतलब topic में दो part already discussed हो गए. एक factorials और दूसरा fundamental principle of counting. And now I'm going to start permutations. If you want to know what is the simple meaning in a single word of permutation, that is arrangements. बहुत ही सिंपल है यार. टेक्निकल टेक्नोलॉजिकली वर्ड में अगर बात करूं मैथमेटिकल वर्ड्स तो बहुत कुछ अलग अलग दिखेगा. बट अगर मुझे वन वर्ड में सिंगल वर्ड में परम्यूटेशंस को डिस्क्राइब करना है तो बहुत ही सिंपल है. परम्यूटेशंस मींस व्हाट? अरेंजमेंट. फॉर एग्जांपल हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स है. ये बुक्स को मैं सेल्फ पे अरेंज करता हूं. परम्यूटेशन. मुझे आप लोगों का ग्रुप फोटोग्राफ लेना है तो मुझे आप लोगों को बॉयज गर्ल्स हाइट वेट स्पेस वो हिसाब से मुझे आप लोगों को अरेंज करना होगा. दैट इज परम्यूटेशन. हमारे घर में बहुत सारी चीजों को हमने सिस्टमेटिकली अरेंज किया होता है. दैट इज व्हाट परम्यूटेशंस. सी दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रोबेबिलिटी. यहां वो तो आपने दो लेक्चर अटेंड किया आपको क्लियर हो गया कि परम्यूटेशंस में करना क्या होता है. यानी ये टॉपिक में चांसेस ढूंढना होता है. तो वही हुआ ना आपको अरेंज करने का चांस. अरेंज परम्यूटेशन. आपको आपके बुक्स को सेल्फ पे अरेंज करने का चांस. अरेंज परम्यूटेशन. आर यू गेटिंग दिस? तो सिंपल वर्ड ऑफ परम्यूटेशंस इज ओनली अरेंजमेंट. दैट इज मींस अरेंजमेंट. ओके, अब इसके फॉर्मूलास को कैसे अप्लाई करना है. फर्स्ट एन सी आर. सो कॉम्बिनेशन अलग है बेटा, अभी डिस्कस कर भी देते. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन पी आर. हमारे पास एन थिंग्स है. एन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू आर. एन थिंग से उसमें से मैंने आर चीजों को अरेंज किया है. आप बोलेंगे सर ऐसे लिखेंगे तो नहीं चलेगा. नॉट अलाउड. कैसे लिखना है? एन पी आर. इसका फॉर्मूला है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. ये राइटिंग सिस्टम ही है बेटा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन पी आर? n factorials upon n minus r factorials. n is greater than equals to r. हाँ, आपका n r से कभी भी smaller नहीं हो सकता है. Your n is either equal to or greater than r.
अभी देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज का है ना आंसर लाएंगे आपको ना क्लेरिफिकेशन दे दूंगा, डोंट वरी। अगर मेरा क्वेश्चन तो इसको लिखने का कैसे, तो मैंने फॉर्मूला दिया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सपोज एग्जांपल देते 10 p a में 10 p p r अगर मेरा 7 फैक्टोरियल, या उसका मैं क्राइटेरिया थोड़ा इजी बना दूं 3 फैक्टोरियल, इसको कैसे इसके साथ कम सी। जब तक आप फॉर्मूलास को यूज करना नहीं सीखेंगे ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके अगर मेरा फॉर्मूला एनपीआर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर 10p3 एन फैक्टोरियल 10-3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10-3 7 जो नॉर्मली काउंट होता है वैसे ही, अलग तो है नहीं बेटा। 10p3 10 फैक्टोरियल अपॉन 10-3। ये फैक्टोरियल का जिसने भी अगर लेक्चर अटेंड नहीं किया है ना, तो इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज अटेंड फर्स्ट वीडियो ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वीडियो अटेंड कर लो, आपका सब कंफ्यूजन क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में हमने मैक्सिमम सम डिस्कस किया था किस पे, परम्यूटेशंस पे। ओके तो पहले तो ये परम्यूटेशन का डिस्कशन कर लो। इसका मतलब ना बेड काउंट करना, कब तक बेड जाना है, अरे मेरी जरूरत है तब तक मैं बेड जाऊंगा। 10, 10, 9, 8, 7 9, 8 आपने सर 7 पे क्यों रुक गए? अरे जब इधर मेरे पास 7 है तो बचेगा क्या? 10, 9, 8 सो व्हाट इज द आंसर ऑफ 10p3 कम्स टू 720। फिर से एक बार आप खाली मैचिंग मैचिंग देखो ना बेटा, मैचिंग मैचिंग। एनपीआर 10p3 10 फैक्टोरियल 10-3। आप तो जैसे मुझे डायरेक्ट लिखना है तो है ना, आपके पास वो भी ऑप्शन है, सिंगल लाइन में आंसर, सिंगल लाइन 10p3। ओके यहां 3 लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, 10 को अप टू 3 नहीं, ओनली 3 नंबर्स बैक करना है। 10, 9, 8 अरे अपने सर ये सब कहां गया आपने डायरेक्ट? अरे बेटा दोनों आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट भी और विद फॉर्मूला भी, बट सिचुएशन के मैनर में। जब मैं सम सॉल्व करवाऊंगा तब आपको क्लियर करवाऊंगा कि ये कैसे फाइंड हुआ। अब मैं एक दूसरा क्लेरिफिकेशन दे दूं, अगर मेरा क्वेश्चन है एनपीएन मतलब सर दोनों सेम, हां तो उसका आंसर आएगा एन फैक्टोरियल। एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। आप बोलेंगे सर इसका समझा नहीं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल सेकेंड 10p10 है ना, एनपीएन फॉर्मूला नहीं मैं सॉल्व कर रहा, आप इधर ही आओ, यही फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 10 फैक्टोरियल। आगे आंसर मतलब अगर दोनों सेम है, सेम एनपीएन योर एन फैक्टोरियल 10p10। मैं ये क्या करवा रहा हूं बेटा आपको ना, आपको फॉर्मूला के साथ एग्जाम्पल मैच करवा रहा हूं, तो ये फॉर्मूला इजीली आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्या क्या चांसेस, देखो ये स्मॉलर ग्रेटर हो सकता है, दोनों सेम हो सकते, थर्ड वन यहां पे वन आ सकता है,
तो इसका भी एग्जांपल दे देता हूं आपको, टेन पी वन, फॉर्मूला तो मैं यही लिखूंगा ना बेटा परम्यूटेशन का, टेन फैक्टोरियल टेन माइनस वन फैक्टोरियल, टेन फैक्टोरियल नाइन फैक्टोरियल, टेन इंटू नाइन फैक्टोरियल कैंसल टेन। तो मतलब कि अगर मेरा क्वेश्चन एनपी वन आया तो आंसर एन आएगा, जैसे यहाँ पे टेन पी वन आंसर टेन, एन पी वन आंसर एन। एक देखो क्या क्या चांसेस है, एन पी आर आ सकता है, एन पी एन आ सकता है, एन पी वन, और एक ऑप्शन आपको देता हूं, इट मे बी एन पी जीरो। तो क्या आएगा एग्जाम्पल, यहां पे आ जाओ, टेन पी जीरो, टेन फैक्टोरियल माइनस माइनस, टेन माइनस जीरो, टेन फैक्टोरियल, टेन फैक्टोरियल कैंसल वन। देखो मतलब ये सब है ना, आपको लर्न या बाय करने का जरूरत नहीं है बेटा, क्यों बताएं, यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला भी अगर आपके माइंड में क्लियर है ना बेटा, तो आप कोई, देखो मैंने सबके एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस करवाया, सबके एग्जांपल के साथ, कोई कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं। एनपीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो इसका पार्ट है, समझना है खाली कि एन इज ग्रेटर, एनपीएन एन फैक्टोरियल, एनपी वन एन, एनपी जीरो इज वन, और ये सब तीनों को मैंने अप्लाई तो इससे ही किया ना बेटा, यही फॉर्मूला, समझ में आया। तो दिस आर ओनली फॉर्मूलास, हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बेटा। इसके क्वेश्चन पहले आप ये कॉपी कर लो, देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम अवर क्वेश्चन नोट्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस, प्लीज राइट डाउन दिस, अंडरस्टूड बेटा, हाँ आंसर्स आपके सामने ऑलरेडी रेडी है, आपको सिर्फ क्लियर करना है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया ना आपका। सो इन दिस क्वेश्चन वी वॉन्ट एन पी थ्री इज टू एन पी टू, इट्स अ गिवन, वी वॉन्ट वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, दिस इज अवर क्वेश्चन। एन पी थ्री इज टू एन पी टू इज इक्वल टू थ्री इज टू वन, ये जो साइन दिया है ना ये डिवीजन का है, डिवाइड करने वाला साइन है, एन इज टू, ओके। बट आपको फॉर्मूला तो यही यूज करना है बेटा, एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फिर से व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एन माइनस थ्री इज टू, एन फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल थ्री अपॉन। अभी ये जो साइन है ना बेटा डिवीजन का है, चलिए वो रेशियो फॉर्म में लिखा है, ए इज टू बी, बी इज टू सी, जो आप लिखते हो वैसे, बट जब मैं इसको मल्टीप्लाई करू तो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को, जैसे मैंने ये एक्चुअली डिविजिव अंडरस्टूड ऐसे कि डिविजिबल है, डिवाइड है, डिवाइड, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये तो कैंसल हो गया, ओके। अब इन फैक्टोरियल्स का मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेटा, एग्जांपल लेता हूं, समझो कि एट फैक्टोरियल है, जहां पे रुकना है मैं साइन करके, ये फैक्टोरियल का साइन है, वो फैक्टोरियल का साइन करके रुक तो सकता हूं मैं, कहां रुकना है वो हमारा रुका, ओके। बट इन एवरी पार्ट माइनस वन जा रहा है, एक 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 आप कम करते जा रहे हो, क्योंकि फैक्टोरियल का बैक काउंटिंग मतलब वन 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 लेस करना है, एन माइनस टू ऑलरेडी हियर, इसमें से वन लेस करो, सी मैथ्स का यही तो चक्कर है बेटा, एक मेरा एन माइनस टू है,
उसमें से वन लेस करूं तो इट कम्स टू एन माइनस थ्री, क्यों माइनस माइनस प्लस। एक बार वापस, ऑलरेडी मेरे पास एन माइनस टू है, उसमें से वन लेस करूं, हेलो एन माइनस टू ऑलरेडी है उसमें से वन लेस करूं तो ये हो जाएगा एन माइनस थ्री। आप समझे बेटा, एन माइनस, अरे वन तो मैंने लेस ही किया बट ये टू माइनस में था तो हम क्या करें, तो हम करेंगे माइनस माइनस प्लस एन माइनस टू एन माइनस वन एन माइनस थ्री। अब यहां पे रुकना है, ये हो गया कैंसल, जो रिमेनिंग है वो, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, सो इन दिस सिचुएशन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू फाइव। ये तो जस्ट खाली एग्जाम्पल्स थे, समझे आपको क्या करना है। मैंने बिगिनिंग में आपको बात किया बेटा कि आपको कुछ भी हो जाए ना ये फॉर्मूला मिस नहीं करना है, ये फॉर्मूला आप जभी अप्लाई करेंगे आपका परम्यूटेशन आपको राइट आंसर ही फाइंड करवाएगा। सो यू विल गेट एन इज इक्वल टू, वन मोर क्वेश्चन, वेट वेट वेट, टू एन पी थ्री हंड्रेड इंटू एन पी टू, टू एन यहां पे भी आपको वैल्यू एन का ही फाइंड करना है, टू एन पी थ्री इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू एन पी टू। ओके इसका फॉर्मूला टू एन फैक्टोरियल, टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, एन पी टू एन फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल। वन मोर टाइम, टू एन पी थ्री टू एन फैक्टोरियल टू एन माइनस थ्री, एन पी टू एन फैक्टोरियल उसके साथ ही मैच किया है बेटा, टू एन फैक्टोरियल से तो मुझे भी पता आपको भी पता। अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी हम फैक्टोरियल्स करेंगे वन 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 बैक करते जाएंगे, टू एन टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू टू एन माइनस थ्री, थ्री पे गाड़ी रुक गया, अपॉन में ऑलरेडी है मेरे पास टू एन माइनस थ्री, फिर से टू एन टू एन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री चलते गया, हंड्रेड एन एन माइनस वन एन माइनस टू। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, आपको क्लेरिफिकेशन में दे रहा हूं कि जब भी आप फैक्टोरियल्स यूज करते हो ना तो आप इसे इसको क्यों नहीं लिया, अरे तो वो इसको बैक करते करते टू एन आएगा क्या, नहीं इसका आ गया। देखिए अब इसे वन वन, अरे वन वन मतलब थर्टी, जैसे फिफ्टीन है फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन, तो वो हर एक में से एक एक मतलब फिफ्टीन माइनस वन फिफ्टीन माइनस टू 15 माइनस थ्री ऐसे लेस हो रहा है, टू एन माइनस वन टू, ओके इधर भी कैंसल, ओके और एक चीज ये इसको एक्सपांड करना, टू इन टू एन टू एन माइनस वन, अरे इसमें से ना टू कॉमन ले लेता हूं हो गया एन माइनस वन। देखिए टू एन अलग अलग लिखा, खाली अलग अलग लिखा है, टू एन माइनस वन इसमें से टू कॉमन टू एन टू वन, ओके ये सब अपॉन में ले लो, यहां हंड्रेड लेने दो एन और एन माइनस वन एन एन माइनस वन। इज दिस क्लियर, समझ ये तो समझ में आना आपका जो चेंजेस है बेटा, वो एन माइनस वन कैंसल एन एन कैंसल टू एन माइनस वन टू 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 एन माइनस वन ट्वेंटी फाइव टू एन वन शिफ्ट कर दिया एन थर्टी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन
our value of n n is equals to 13. See, दोनों अलग अलग प्रोसेस में चले, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपका जो परम्यूटेशन, आपका जो परम्यूटेशन का प्रोसेस है वो सेम है. समझ में आया बेटा? इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, प्लीज पहले आप कॉपी कर लो, कुछ डाउट्स है तो हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, हो गया कंप्लीट. सो एज यूजुअल बेटा क्या होता है बेटा, जब तक आपके पास फॉर्मूलाज वाला क्लेरिफिकेशन है, फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना उसका नॉलेज है, तो आई डोंट थिंक सो कोई भी क्वेश्चन आपको रुकाएगा. दूसरा एक चीज, ये जो टॉपिक है ना वो कितना किधर, इट्स लाइक मैं से ना उसके साथ कंपेयर करो, आपके स्टेटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी भी है. प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, वो जैसे नंबर ऑफ चांसेस पे चलता, तो यहाँ पे भी हम वही बात करते रहेंगे, बट दोनों के वे ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट है. वो प्रोबेबिलिटी तो आपको स्कूल पार्ट में भी था, इवन 11 12 में भी था, बट जो एसपी स्टूडेंट है उनके लिए ये नया पार्ट है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो मेरा ये भी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे यू विल मोर क्लियर अबाउट दिस ऑल थिंग्स. ओके, और दूसरा वो तो मैंने बिगिनिंग से आपसे डिस्कस किया है कि स्टार्टिंग के लेक्चर से भी अगर आपको कोई भी डाउट से डिफिकल्टीज है आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो. जब भी हम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आपको बुला के आपके डाउट्स डिफिकल्टीज को इंडिविजुअली पर्सनली सॉल्व करेंगे. एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए, वो तो आई डोंट नो ऐसा क्या होता है, बट सब बोलते हैं कि भाई ये जरूरी होता है कि आप रेगुलर आ जाओ चैनल को. अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जैसे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स. ओके, सो स्टे कनेक्टेड. नेक्स्ट टाइम सेम परम्यूटेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे. स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर. ओके, बाय बाय, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. Yeah.